टू इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, इसके बारे में बातचीत करने वाला हूं। जो लोग इंपॉर्टेंट चीजें करते रहते हैं रोज, वो दुनिया पे राज करेंगे, और इंपॉर्टेंट चीज को करने वाले लोग सिर्फ 1% ही है। 99% लोग अनइंपॉर्टेंट चीज करते रहते हैं या अर्जेंट चीज करते रहते हैं। जो अंग पे आ गया वो करो, जो अंग पे आया वो करो, जो तुरंत करने का है वो करो, जो करना ही पड़ता है वो करो। सर्वाइवल मोड पे है 99% लोग। सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव, कैसा भी करके टाइम निकालो, कैसा भी करके इतना कर लो, ये अर्जेंट है, ये करना ही पड़ता है। हमारा मैक्सिमम टाइम जो है, मेजर टाइम, वो जाता है माइनर वर्क करने में, माइनर काम करने में, छोटे छोटे काम करने में, फालतू काम करने में अपना मेजर टाइम चला जाता है। एवरेज इंडियन का 3 से 4 घंटे टाइम व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब पे जा रहा है। कितना सारा टाइम हम अनप्रोडक्टिव काम के ऊपर वेस्ट करते रहते हैं। मेजर टाइम वी आर स्पेंडिंग इन माइनर एक्टिविटीज एंड माइनर टाइम वी आर स्पेंडिंग इन मेजर एक्टिविटीज। उसके बदले क्या होना चाहिए? उसके बदले ये होना चाहिए कि आपका मेजर टाइम स्पेंड होना चाहिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के ऊपर, मेजर एक्टिविटीज के ऊपर। और मेजर एक्टिविटी आपकी कौन सी हो सकती है? मेजर एक्टिविटी वो सकती है कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? आपके सेहत की तरफ ध्यान देना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर लर्न करना, आगे कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में जानकारी लेना, वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके नई नई चीजें सीखना, खुद को टाइम देना, मेडिटेशन करना, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करना। बिजनेस मैने तो मार्केटिंग करो, सेलिंग करो, आइडियाज नए नए तरीके निकालो, आइडियाज नए नए ढूंढो। इसमें अपना मेजर टाइम जाना चाहिए। हमारा मेजर टाइम कहाँ जा रहा है? मेजर टाइम हमारा जा रहा है टीवी के ऊपर। लोगों के घंटों से आप लोगों टीवी के सामने बैठे रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब और बाकी काफ़ी सारी सोशल मीडिया, कितना सारा टाइम जा रहा है। और फिर लोग बोलते हैं हमको टाइम पूरता नहीं है। टाइम इसलिए पूरता नहीं है कि आप फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम गंवाते रहते हैं। आप यदि मैक्सिमम टाइम आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स करने में गंवाते हैं या स्पेंड करते हैं, तो आप दुनिया को रूल कर सकते हैं, दुनिया के राजा बन सकते हैं। सो स्टार्ट डूइंग इंपॉर्टेंट थिंग्स फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।